हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों आज का पाठ है 5, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता है। बच्चों हम सभी का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। अगर हम उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है उस लक्ष्य को पाने की, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता जरूर मिल जाता है। तो बच्चों आज का पाठ जो है जहाँ चाह वहाँ राह है, कुछ इसी तरह का है। इस पाठ में एक लड़की के बारे में बताया गया है। उस लड़की का नाम है इला सचानी। इला सचानी गुजरात की रहने वाली लड़की है। बच्चों इला सचानी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। उसके हाथ खराब थे, पैर उसके ठीक थे लेकिन हाथ उसके काम नहीं करते थे। जब भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती तो अपने साथ के बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसका मन भी करता कि वो भी उनके साथ खेले, लेकिन हाथ उसके उठते ही नहीं थे किसी काम को करने के लिए। फिर उसने सोचा कि मैं छुआछूत का खेल खेलती हूँ, लेकिन उसमें भी हाथ से धप्पा मारना होता है। वो दौड़ तो खूब लेती थी लेकिन जब धप्पा मारने की बारी आती तो उसके हाथ काम नहीं करते थे, तो उस समय जो है निराश हो जाती थी। जब बच्चे झूला पर झूलकर पैंग बढ़ाते तो उसका भी मन करता वो भी लंबी लंबी पैंग बढ़ाए, लेकिन वो नहीं कर पाती थी क्योंकि झूला को हाथ से पकड़ना होता है, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पाती थी। बच्चों इलाज सचानी ने हार नहीं मानी, कोशिश करती रही और कोशिश करते करते वो जो है अपने हाथ से खाना बनाना, सब्जी काटना, फर्श बुहारना, दूसरों के बाल बनाना, बहुत सारे काम वो खुद से ही कर लेती थी। फिर उस लड़की ने सोचा कि मैं पढ़ूंगी, और उसने पढ़ने के लिए वो जो है कई स्कूल में एडमिशन कराने के लिए वो गई। उसने सोचा कि मेरा एडमिशन हो जाएगा तो मैं सभी बच्चों की तरह पढ़ूंगी, लेकिन वो उसके एडमिशन के समय वहाँ भी बहुत सारी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ के स्कूल प्रशासन ने कहा कि जो है ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, स्कूल का काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगी, किस बेस पर हम इसको एडमिशन दें। खैर जैसे तैसे उसका एडमिशन वहाँ पर कर लिया गया। पढ़ने में ठीक थी लेकिन वही समस्या थी, हाथ उसके अच्छे से काम नहीं करते थे। लेकिन वो सारे काम किससे करती थी जानते हो? पैरों से लिखना पढ़ना, घर के जो भी काम होते थे सब कुछ पैरों से करती थी। एक दिन टाइम आया कि क्लास 10 का यानी कक्षा 10वीं का इम्तिहान था और वो उसमें बैठ गई। घंटी बज गई, कॉपी ले ली गई, रिजल्ट निकला तो वो सफल नहीं हो पाई, फेल हो गई। इसकी वजह थी उसके पास अतिरिक्त समय नहीं था क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, और उसको ये भी नहीं पता था कि लिखने में कोई दूसरा भी उसकी मदद कर सकता था। इस बात को से वह बहुत उदास हुई, लेकिन वो निराश नहीं हुई, उसने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करती रही। और एक और उसके अंदर बहुत अच्छा गुण था कि वो जो है बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाती थी, कढ़ाई करती थी उन पर, चाहे वो पशु पक्षियों के चित्र हों, चाहे वो जो साड़ी के बेल बूटे हों, बहुत उमदा किस्म की कढ़ाई करती थी, लाजवाब कढ़ाई। बच्चों एक बार प्रदर्शनी लगाई गई तो उसमें इलासत चानी के जो नमूने थे कढ़ाई के, उनको भी वहां पर रखा गया। साड़ी के डिजाइन थे या फिर उसके पक्षियों वगैरह के चित्र थे, उसकी कढ़ाई को देखकर उसने जो टांके लगाए थे पुराने समय की कढ़ाई में और आधुनिक रूप से जो टांके लगाए थे उनको देखकर सब हैरान हो गए। सबने जो है उसकी पेंटिंग की, उसकी कढ़ाई की, डिजाइन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो बच्चों ठीक ही कहा गया है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक हमको सफलता नहीं मिलती। धन्यवाद।